नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ओप्पो के लेटेस्ट लॉन्च होने वाले मोबाइल फोन ओप्पो F11 प्रो के बारे में। जी हां, ओप्पो का ये लेटेस्ट मोबाइल फोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे बेहतरीन फीचर्स होने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले और इसके स्पेक के बारे में बताने से पहले मैं आपको ओप्पो F11 प्रो मोबाइल की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गई ओप्पो F11 प्रो मोबाइल की एक छोटी सी झलक। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, पॉसिबल स्पेसिफिकेशन के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों ओप्पो F11 प्रो मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में, तो इसकी स्क्रीन साइज 6.5 इंच हो सकती है। इसका डिस्प्ले टाइप IPS LCD होने वाला है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2340 पिक्सल्स की इसकी रेजोल्यूशन होगी। अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 19.5:9 इसकी एस्पेक्ट रेशियो होगी और PPI इसकी 397 होगी दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके स्टोरेज की और मेमोरी की, जी हाँ, तो इसमें 6GB का रैम आपको मिलने वाला है। और साथ साथ अगर मेमोरी ऐसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि 64GB और 128GB के दो वेरिएंट्स में इसकी मेमोरी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात है कि इसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं होगा। हालांकि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 256GB तक, लेकिन डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलेगा। और साथ साथ ये USB OTG को भी सपोर्ट करने वाला है दोस्तों। इसके बाद अगर हम ओप्पो F11 प्रो मोबाइल के सबसे खास फीचर, जी हाँ, अगर कैमरे की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कैमरा दिया हुआ है दोस्तों। अगर हम इसके रियर साइड के कैमरे की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है, जिसका एपरेचर 1.7 है। इसका मतलब है कि आप काफ़ी अच्छी तस्वीरें लेने वाले हैं। और साथ साथ इसमें 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी, यानी कि ड्यूल कैमरा लगा हुआ है, जिसका एपरेचर 2.4 है दोस्तों। साथ साथ इसमें LED फ्लैश भी लगा हुआ है। और इसमें कैमरे के वो सारे मोड है, सारे फीचर्स अवेलेबल है जो एक अच्छे कैमरे में होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इस फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में, तो वो एक इसका एक खास पॉइंट है दोस्तों। जी हां, इसमें एक पॉपअप सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप जब सेल्फी लेने जाएंगे तो इस मोबाइल फोन के अंदर से एक एक्सटर्नल कैमरा टाइप का निकलेगा। तो वहाँ एक आपको काफ़ी अच्छी फील, काफ़ी कुछ मैजिक सा लगने वाला है, जादू जैसी फीलिंग आएगी। और इस ये जो कैमरा है, ये 30 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसका एपरेचर 2.0 है। इसका मतलब है कि आप इससे भी काफ़ी अच्छे फोटोज निकालने वाले हैं दोस्तों, आप इसे काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फोन के दिमाग की। जी हाँ, इस फोन के CPU के बारे में जल्दी से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात चिपसेट की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि इस फोन में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट देखने को मिलेगा। लेकिन जी नहीं, इसके जगह हमें मीडियाटेक हीलियो P70 का इसमें चिपसेट देखने को मिल रहा है। और ये चिपसेट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्पीड है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो इसमें ऑक्टा कोर का प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.1 GHz होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी हाँ, तो इसमें एंड्रॉयड का लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 एंड्रॉयड पाई हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर इसमें कस्टम UI की बात करते हैं, तो इसमें कलर OS 6 का हमें कस्टम UI देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बैटरी की दोस्तों, तो इसमें 4000 mAh का नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन की बैटरी हमें मिलने वाली है। और ये बैटरी जो है, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये फास्ट चार्जिंग को सुपर वूक 3.0 फीचर का सपोर्ट मिला हुआ है दोस्तों। इसके कहने का मतलब कि काफ़ी थोड़े समय में आप काफ़ी ज़्यादा देर के लिए बैटरी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए बैटरी चार्ज कर ले तो ये बैटरी का बैकअप आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो इसमें डबल सिम का सपोर्ट है। दोनों सिम में वोल्ट का सपोर्ट मिलेगा आपको। नैनो सिम उसका साइज होगा। साथ साथ इसमें USB टाइप सी आपको मिलने वाली है। लेकिन इसमें एक बात है कि आपको FM नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम इसके बॉडी और डिज़ाइन की बात करते हैं, तो इस फोन की हाइट जो होने वाली है वो 161.3 mm की हाइट मिलेगी आपको। इसकी विड्थ आपको 76.1 mm की मिलेगी। और इसकी थिकनेस, यानी कि जो मोटाई होगी, वो 8.8 mm मिलेगी दोस्तों। साथ साथ इसका वेट जो है वो 190 grams का मिलने वाला है दोस्तों। अगर केसिंग की बात करते हैं, तो 3D ग्रेडियंट केसिंग मिलेगी। और किस किस कलर में ये अवेलेबल होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये डार्क रेड, वायलेट, थंडर ब्लैक और ऑरोरा ग्रीन कलर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसमें और जो अलग से फीचर्स, अलग से मैक्सिमम में सेंसर्स बता देता हूँ कौन कौन से आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो मल्टी टच लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास सेंसर, गायरोस्कोप और फेशियल रिकॉग्निशन जैसे सेंसर्स, जो कि काफ़ी फेमस और
कॉमन हो गए आज के डेट में सारे फोन्स के लिए, वो सारे सेंसर्स आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात इसकी प्राइसिंग की करें दोस्तों, तो वो चीज़ तो हमें 5 मार्च को ही पता चल पाएगी, लेकिन ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि ये फोन का प्राइस जो है वो 30,000 से 35-36,000 के बीच में होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपना लाइक दीजिएगा, मैक्सिमम प्यार दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो, आपका कोई सुझाव हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियो कभी मिस न करें। तो चलिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलता हूँ आपके किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।